हेलो दोस्तों नमस्कार। उमे टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेके आप लोगों के लिए आया हूँ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं जिन्होंने कल मेरी खबर देखी थी जहाँ पे इस बात को बताया गया था मेरे ही द्वारा मेरे ही चैनल पर इस वीडियो को चलाया गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स ये तो मुझे नहीं मालूम है क्लियर कि कौन से पेंशनर्स के लिए है, लेकिन ये है कि जिनका पेंशन 6000 रुपये था उनकी पेंशन में वृद्धि हुई है 3000 रुपए की, यानी कि उन्हें अब 6500 जिनको मिल रहा था पेंशन अब उन्हें 9000 रुपए पेंशन मिलने लगेगी। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था और आप लोग ये जानने की कोशिश किए थे कि क्या सच में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हुई थी या ईपीएस 95 पेंशनर्स से उस खबर का कोई संबंध है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं इस खबर को सुने हैं इस खबर को जाने हैं तो आप लोगों के लिए यह खबर नहीं था, यह खबर दूसरे राज्य के लिए था, दूसरे जगह के लिए था, दूसरे पेंशनर्स के लिए था। ये बात भी मैं आपको बताया था कि भाई इसका पुष्टि नहीं हो पाया, इसका क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अगर कोई पेपर वर्क की आप बात करेंगे तो कोई भी ऐसा पेपर वर्क मुझे नहीं मिला है जिसकी वजह से मैं इस खबर की पुष्टि कर सकूं। लेकिन कल मुझे एक जो पेंशन है जिनके माध्यम से पेंशन से संबंधित कुछ खबरों की जानकारी मुझे मिलती है, मैं उनके पास उनसे बात किया तो उनसे बात करने के बाद में उनके द्वारा इस बात को बताया गया कि जो ये जानकारी है हो सकता है कि किसी और के लिए है, लेकिन जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ की तरफ से कोई भी ऐसा जानकारी नहीं दिया गया है। नंबर एक खबर जानकारी होगी। नंबर दो की जानकारी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ईपीएफओ की तरफ से बताया गया था कि डाटा रिलीज की बात या डाटा की बात बिल्कुल सही है, डाटा ईपीएफओ की तरफ से रेडी है ऐसा सुनने में आया है कि ईपीएफओ ने ईपीएफओ की तरफ से डाटा को जो तो उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया जा चुका है और ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए वो डाटा को बहुत ही जल्द पेश किया जाएगा। पेश अभी नहीं हुआ है, जारी अभी नहीं हुआ है, आंकड़े कब तक में जारी किए जाएंगे, किसको कितना पेंशन देना है इसकी लिस्ट भी घोषित कर दी जाएगी। हालांकि जो कुछ ईपीएफओ की तरफ से डाटाओं को रिलीज किया गया है लेकिन वो जो ईपीएफओ ने डाटा को रिलीज किया है वो शायद ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए डाटा नहीं है, वो दूसरे पेंशनर्स के लिए है डाटा और उन पेंशनर्स से ईपीएस 95 पेंशनर्स का कोई लेना देना मेरे हिसाब से नहीं है। तो दोस्तों आप लोग क्लियर हो गए हैं कल के खबर जो दो खबर था जिसको मैं बताया था कि इस दो खबरों पर मैं प्रकाश डालूंगा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, इस खबर से ये जो लाभ निकल के आ रहा है ईपीएस 95 पेंशनर्स के कितना लाभकारी होगा। तो दोनों खबरों को आप लोगों को समझने अच्छे से बिल्कुल बेहतर तरीके से दोनों खबर ईपीएस 95 पेंशनर्स से संबंधित नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की खबरें जिसमें साफ लिखा होता है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यह जानकारी, कल मैं भी आर्टिकल देखा मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि भाई जब अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट से भी जानकारी नहीं आई है, उनकी तरफ से भी कोई बैठक भी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी कोई जानकारी नहीं आई कि कब बैठक हुई कब नहीं और कोई मतलब ऐसी कोई जानकारी नहीं आई और अचानक जो तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि का ऐलान हो गया तो थोड़ा सा चौंकाने वाला लगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैंने इस खबर को देखा तो अब क्लियर हो चुका है। आप लोग भी इस खबर को जो पहले देखे थे वो तो देखे ही थे, अभी जो आप लोगों ने देखा वो भी आप लोगों के सामने है और जो पेंशन से संबंधित अगर उसमें वृद्धि होती है कुछ भी ऐसी जानकारी आती वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा आपको पहुंचाऊंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।